हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइज, अभी तो मैं नहा के रेडी हो चुका हूँ और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3:30 एंड मैं अभी मार्केट जा रहा हूँ बुक परचेस करने, बिकॉज मेरे पास असाइनमेंट लिखने के लिए बुक से नहीं थी। वैसे मेरे पास मोबाइल पे आंसर थे, मैं इंटरनेट से निकाल कर लिख लेता, बट मुझे एक असाइनमेंट कम से कम 25-25 पेज लिखने हैं और 9 असाइनमेंट्स हैं, तो मैं कैसे लिख पाऊँगा। तो बुक से ईजिली लिख लेंगे अपन, अभी तो मार्केट चलते हैं और बुक परचेस करके लेके आते हैं। एंड पहले तो मैं खाना खाता हूँ मार्केट जाने से पहले, मैंने खाना तक नहीं खाया और 3:30 बज रहा है, इतना लेट हो चुका है। और आज मैं लेट उठा भी था बिकॉज मैं रात में गाइस बिल्कुल नींद आ ही नहीं पाई है। मैं कल वैक्सीन लगवा के आया ना, तो बिल्कुल करवट से मैं सो ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल मुझे सीधा सोना पड़ रहा था और मुझे सीधे सोने की बिल्कुल आदत है ही नहीं, तो मैं सो नहीं पाया था और सुबह लेट भी उठा। सो फिलहाल तो अभी खाना खाते हैं फिर चलेंगे मार्केट। कल खाना तो आ चुका है अपना, इसको रखते हैं इधर। और देखो गाइस कितनी प्यारी हालत हो रही है, पूरे कम्बल लम्बल पिल्लो विलो यहीं पे बिखरे पड़े हैं, पूरा घर बिखरा पड़ा है। अभी आपको अंदर भी दिखाता हूँ। और हाँ, जब मैं बैठ के लिखूँगा वो भी देखते हैं, बिकॉज अपन ने इतने टाइम से लिखा नहीं है। भाई पंखा चालू हो गया इतनी ठंड में। सो ऐसी कोई जगह है यहाँ पे, अपनी बढ़िया चेयर है, यहाँ पे चेयर रख लेंगे, यहाँ पे बैठ के लिखेंगे। पर मुझे पहले सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा फिर ही लिखूँगा। यहाँ पे पूरे देखो कपड़े वपड़े सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ से पूरे क्लियर करेंगे फिर आराम से इस पर बैठ के लिख लेंगे। तो पहले ये पूरा मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। बुक्स लेके आते हैं पहले मार्केट से, फिर सब कुछ क्लियर करेंगे आराम से एंड फिर करेंगे अपने असाइनमेंट्स बनाना। उधर दादी, दादी क्या बना रही हो? किराना। किराना बन रहा है उधर, कुछ जर्नल स्टोर। किराना जर्नल स्टोर। इधर रोशनी पड़ रही है, रोशनी की राइटिंग देखो कितनी अच्छी है। ओ फट गया। फिलहाल रौनक चल रहा है मेरे साथ मार्केट, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है ना। क्या हुआ, नहीं खुल रहा क्या? अबे ऐसे नहीं, का नाम भी नहीं ले लिया ऐसे। वो भी नहीं खुल रहा क्या? हिला हैंडल, हिला गाड़ी का हैंडल, हिला। सीख रहा है गाइस अभी रौनक, धीरे धीरे करके सीख रहा है और आज गाड़ी भी यही चलाएगा। मैं इसको ना गाड़ी जब ही देता हूँ जब ये मेरे साथ जाता है, ऐसे मैं इसको अकेले में तो कोई भी नहीं देता गाड़ी। अच्छी बात है अगर ये सीख रहा है धीरे धीरे करके। इसको भी ब्लॉगिंग तो आती नहीं, तो ये कैमरा कैसे हैंडल करेगा? तो मैं पीछे कैमरा हैंडल कर लूँगा और शूट कर लूँगा और ये गाड़ी चला लेगा आराम से। Since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny, my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long, I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. BCom first year ki book nikal dena, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन की। उठा लेता हूँ मैं इनको, कब वॉश किए थे और मैंने अभी तक उठाए नहीं थे, ऐसे छत पे ही पड़े हुए थे। अपने शू की लेस पूरे छत पे ढूंढी आया, पूरे तार भी छान दिए, कई बार मिली और यहाँ पे रखी हुई, देखो यहाँ पर टंगी हुई है, मम्मा ने यहाँ पे टांग दी होगी। इसको लगा देते हैं पहले शू में, फिर असाइनमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। Time wash away every feeling that can cause me pain. All these memories I can't escape. Can you let them all wash away? Let it all wash away, cause I don't wanna feel the pain. Love, just let me go, cause I don't wanna feel the pain of holding on and keep. इस डल चुकी है, बट इसमें नहीं डल रही है, because इसका ऐसा छेद ही ऐसा हो रहा है ना, मतलब बहुत कड़क कड़क टाइप का है। और ये मेरी लेस देखो ऐसी ख़राब हो गई है, ऐसी ऐसी ख़राब हो गई है, तो अंदर जा ही नहीं पा रही है, तो इसमें तो डली नहीं, इस पर कहीं की और लेस डालेंगे हम खरीद के लेके आके। फिलहाल तो इससे ही काम चलाते हैं। गाइस आपने पहले देखा था ये पूरा मतलब कैसा फैला हुआ हो रहा था यहाँ पे, अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया है।
जिस पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ था बड़ा बड़ा वो मैंने उधर नीचे डाल दिया है, और जो बाकी का छोटा मोटा सामान था वो मैंने इधर रख दिया है इन दोनों शेल्फ्स में। सब बढ़िया आराम से लिखेंगे। और मार्केट से मैं कुछ लेके आया हूँ, ये कुछ पेजेस हैं इस पर मैं लिखूँगा, और उसके बाद ये फाइल है जिसमें पेजेस लगेंगे अंदर, और ये बुक अपनी जिससे मैं लिखूँगा, जिसमें से मैं देख देख के लिखूँगा। सब करते हैं वर्क स्टार्ट अपना, और फिर आप लोगों से मिलते हैं अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद। तो अपना वर्क स्टार्ट ही कर रहा था, ये तो मैं थोड़े रिलेटिव्स आ गए हैं, अभी शादी आने वाली है ना, सो पत्री के दिन आए हुए हैं, तो अब थोड़ा उधर देखते हैं फिर करेंगे वर्क स्टार्ट। वर्क कंप्लीट हो चुका है मेरा ये, और एक पेज इधर रखा हुआ है। अरे भाई आजा, इधर रखा हुआ है, तो कुछ कंप्लीट हो गया है मेरा वर्क। और राइटिंग देखो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रही है मेरी। फिलहाल दादी ने चाय लगी दी है, सो आज तो पूरी फैमिली इकट्ठी हुई मेरे को पढ़ाई करते देख, बिकॉज बहुत टाइम बाद आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और लिखने बैठा हूँ, तो सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोग शौक में थे, और तू पढ़ाई कर रहा है, तू पढ़ाई कर रहा है। सो चाय पीते हैं और फिर अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। और मुझे आज, मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था, मुझे आज जिम भी देखने जाना है, क्योंकि मेरे को एक नया जिम ज्वाइन करना है। तो अभी सिटी में दो तीन जिम है, तो तीनों देख के आएंगे, दो तीन जितने भी जिम है तो तीनों चारों देख के आएंगे, और फिर जो भी अच्छा लगेगा और जिसमें कम्फर्टेबल होगा वाले ज्वाइन कर लेंगे। फाइनली आवेश आ चुका है एक साल बाद, हमेशा की तरह ये एक साल बाद आया है, हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा लेट आया है, मैं कब का वेट कर रहा था, और ये अब आके खड़ा हुआ है। सो अब आ गए, एंड अभी सबसे पहले एक्सट्रीम चलते हैं, ठीक है? एक्सट्रीम में देखेंगे सबसे पहले एक जिम है घर के जस्ट पास ही है, वहाँ देखेंगे, फिर दूसरे जिम में चलेंगे। लोग जिम से तो नीचे आ चुके हैं अभी पार्किंग में, एंड जिम तो बहुत अच्छा लगा, आवेश को भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। एंड इतना तो रिकॉर्ड कर नहीं पाया मैं, बिकॉज मैं जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे थोड़ा बात करने में, डिस्कशन करने में था, मतलब वो पूरा टूर दे रहे थे उनकी जिम का, सो जितना भी रिकॉर्ड किया था आवेश ने रिकॉर्ड किया था, सो ऐसा ही कुछ था जिम। अब यहाँ तो देख लिया, अब एक और जिम है वो यहाँ थोड़ा दूर है, तब उस जिम पे भी चल के देखते हैं। सो ये अपना सेकंड जिम, फिटनेस हेडक्वार्टर, और अब मुझे इन दोनों में से डिसाइड करना है कि उस एक्सट्रीम में जाना है जो हम अभी जिसके पहले गए थे, उसका नाम था एक्सट्रीम फिटनेस एक्सट्रीम, और इसका नाम है हेडक्वार्टर। तो इन दोनों में से डिसाइड करना है कौन सा बेटर होगा, अगर इसको भी देखते, अगर ये थोड़ा बेटर हुआ उससे तो उसमें आएंगे, वरना फिर उसमें तो जाना ही है। Do you think of me, love? Let me go, 'cause I've been holding up for far too long. I've been fighting and keeping strong. Now you. तो गाइस इस जिम में तो हम लोगों को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया, बिकॉज़ इस जिम में जब पहले भी आया था तो यही मशीन्स और ये मतलब जो नॉर्मल मशीन्स होती हैं वही इस जिम में नॉर्मल मशीन्स है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ कि नई मशीन्स आई हैं कुछ, तो वही नॉर्मल है। जब इसकी ओपनिंग हुई थी जब आया था मैं, तो वही नॉर्मल है। तो मेरा तो अभी चल रहा है एक्सट्रीम में जाने में, जो कि अभी पहले जिम में गए थे, अब देखते हैं डिसाइड करते हैं जैसा भी होगा, ऑफिस और मेरे जाने का हो रहा है, हम दोनों डिसाइड करते हैं, मैं उससे पूछता हूँ जैसा भी उसको ठीक लगेगा, तो फिर उसी जिम में चलेंगे, तो उसको वाली जिम पसंद आई तो उसी में चलेंगे, अगर उसको ये वाली पसंद आई देखते हैं डिसाइड करेंगे जैसा जैसा भी होगा उससे बात करते हैं। आज हमने दो जिम देखे, जैसे कि मैं आपको घर पर बोला था कि चलेंगे, तो दो तीन जिम ही हैं जो अच्छे अच्छे हैं तो देखेंगे। तो मैंने दो जिम ही देखे, और जो सबसे पहले वाला देखा था एक्सट्रीम जिसका नाम था, मुझे तो सबसे ज़्यादा बेटर और बेस्ट वही लगा, बिकॉज उसमें फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी है और लाइटनिंग भी बहुत अच्छी है उसमें। अगर मुझे कभी वीडियो बनाया करूँ, अगर वीडियो शूट की करा करूँगा तो लाइटनिंग की वजह से और अच्छी वीडियो बनेगी। सो और उसमें मशीन्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, तो मुझे तो वाले ही जिम बेस्ट लगा। सो उसका ही प्लान करते हैं, और पापा को ही बताऊँगा मैं जिम की, मैं आज जिम देखने गया था और सब कुछ, और उसकी जो भी फीस है सब कुछ पापा को बताएंगे। सो मुझे तो वही ज़्यादा बेस्ट लगा, सो अगर प्लान बना तो वही वाले जिम में जाएंगे, और आवेश का तो
वो मना कर रहा था कि वो तो नहीं जाएगा, मतलब वो जिस जिम में भी कर रहा है वो उसी में रहेगा स्टिल। सो उसके भी कुछ पर्सनल होगा सो उसी जिम में जाएगा। सो फिलहाल तो बस मैं अकेले जाऊंगा, और अभी थोड़ा इसका पेन ख़त्म हो जाए, जो वैक्सीन लगवा गया है ना इसका पेन ख़त्म हो जाए फिर अपन स्टार्ट करेंगे वाली जिम जाना। पहले पापा से पूछेंगे फिर स्टार्ट करेंगे, वरना फिर वाली जिम में ही कंटिन्यू करेंगे जिसमें भी मैं रेगुलर जा रहा था। सो पापा से पूछना पड़ेगा, पापा जैसे ही बोलें। फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ, इस ब्लॉग की एडिटिंग करूँगा, और अभी टाइम हो रहा है 9:15 रात के। सो इस ब्लॉग की एडिट करूँगा, खाना खाऊंगा देन बस। सो आज के ब्लॉग में इतना ही था गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं गाइस आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Just gotta let me go. Time wash away every feeling that can cause me. बनाऊं तो बनाऊं कैसे? कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई इधर भाई वो रेत। गाइज मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ गाइज। मैं कम से कम 15 से 16 टेक ले चुका हूँ अभी तक। कोई गाड़ी लेके जा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई आवाज़ कर रहा है, मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ?